करना पड़ेगा शादी। नहीं, हिम्मत करके तो दिखाओ। जो मुझे करना है मैं करूंगा, तो मुझे करना है शादी, बस मेरा मन है। आपको तो दूसरी शादी में इंटरेस्ट है, दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का टाइम है, 10:15 हो रहे हैं और जस्ट मॉर्निंग में हम लोग ऐसे बैठे थे तो सोच रहे थे क्या करें। तो प्लान बना के हम लोग कहीं बीच पे जाते हैं, घूम के आते हैं। तो फटाफट कोमल गई नाश्ता रेडी करने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो हम लोग बोला थोड़ा आराम से ही करते हैं। और जो बीच पे जाना है हम लोग 3 बजे के आसपास निकलेंगे, तो फटाफट कोमल गई किचन में खाना बनाने, नाश्ता बनाने, ताकि हम लोग फटाफट खाना के फ्रेश हो जाए। सो बैठे बैठे था, मैं सोचा कुछ प्लान किया जाए कोमल पे। सो मैं उसमें प्रैंक ये करने वाला हूँ कि मैं आज सुबह 4:30 बजे ना 4 से 5 के बीच में एक सपना देखा कि मेरी दूसरी शादी हो रही है और मॉर्निंग का सपना सच होता है। तो ये चल के अभी किचन में हम चलेंगे, उससे बातें करेंगे और उसको मैं बताऊँगा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हो गया, मुझे करना पड़ेगा ऐसा, मैं ढूँढता हूँ। ऐसा कुछ होता है यार, कहीं ना कहीं बातें भिड़ती हैं, तो उस पर उसका क्या रिएक्शन होता है गाइस, वो चलो मिलके देखेंगे। चलो निकलते हैं किचन की तरफ। तो गाइस देखिए, कोमल किचन में आ गई है। बाबू सुनो ना, ये जो चावल हमने नीचे रखा था ना बाहर साइड में, हाँ? मैंने कल ना एक छोटा सा ये देखा था यार, घुन तो नहीं पड़ रहे हैं यार चावल में? नहीं तो क्यों, तुमको क्यों ऐसा लग रहा है? कल मैंने एक देखा था तो मुझे ऐसा फील हुआ। कल इसने गाइस एक देखा था तो आज भी देख लिया कि 10 लोग होंगे। ये मिले आज? अभी देखती हूँ, नहीं वैसे नहीं मिले। देख रहे, तू चावल बना रही है, अभी देखी? अरे नहीं मिले, इसीलिए तो सर कल मैंने एक देखा था। मैं सोचू अभी कुकर चढ़ा देती हूँ, फैमिली हम लोग को ना जाना है बीच पे, और वो भी इसको गाड़ी चलाने जाना है, गाड़ी सीखना है। इसके लिए हम लोग बोले कि चलो आज चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे वहाँ पे। इसके लिए जा रही है ना? हाँ, तो मतलब वो कहते ना खेल दे दोस्तों में रहते हैं, देखा देखी धर्म तो देखा देखी पाप ना। बट तो हम इंसान और एक्साइटमेंट में कर सीखता है और अच्छे से जल्दी जल्दी सीखता है, और वही हमारे साथ हुआ भी। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था। अरे आपको पता है, वो मेरी फ्रेंड ने ना सुनिए, उसके हस्बैंड को भी नहीं चलाने आता था, भाई को साइकिल ही नहीं चलानी आती। वो बताए कि मेरे को नहीं आती थी, उन्होंने 2 दिन में सीखा है स्कूटी। सीखने वाला कुछ भी कर सकता है, कितना जल्दी वो भी ये तो ऐसे कंधा एकदम टाइट कर देती है ना कि गाड़ी हैंडल ही नहीं हिलता, ऐसे करके धड़ ले जाके लड़ा देती है बस। लड़ाती नहीं, लेकिन 2 दिन से अच्छा चला रही है, मुझको लग रहा है कि सीख जाएगी बहुत जल्दी। हाँ तू सीख जाएगी ना वो, फिर क्या, सीख जाऊंगी। सब लोग जो भी मिलने आएगा ना मुझसे, फैमिली तो आप लोग कोई भी मिलने आएगा ना, मैं आप लोग को स्कूटी से छोड़ने चलूंगी। चलो मैं आपको उतने दूर तक स्कूटी से छोड़ देती हूँ। इसी लगे मेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और प्रैक्टिस होती रहेगी इसकी। सब बोलेंगे प्रैक्टिस के बहाने कहीं मुझे गिरा फिरा ना दे। लेकिन बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, तो मैं चाय बना ही रही हूँ। अच्छा, इसको तुमको बताना भूल गया यार, आज सुबह मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा। अरे मैंने भी देखा। अगर वो सपना देख लिया, अगर तुम बताओ पहले तुमने क्या देखा। मैंने देखा हम लोग कहीं जा रहे कोई बड़ी शॉप में, और फिर वहाँ पे ना मतलब कोई 2-3 पुलिस लोग आए, तो मैं बोली क्यों, और आई हूँ आपके पीछे पीछे अंदर शॉप में घुस गया मैं पीछे, और कुछ बातचीत कर रहे थे पुलिस वाले, जल्दी सबको बाहर निकलो बाहर निकालो। तो बोली क्या हुआ अंकल, क्यों बाहर आ, शॉप में बंद हो रही है क्या? बोले नहीं, अगर बता देंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे वो बोले ना वैसे ही वहाँ पे मतलब ना वो गन का कहते ना चलाने का आवाज आ गया, तो मैं डर के मिली आई और आप अंदर, लेकिन वो बोले नहीं तुम भागो उधर जाओ, चले जाओ भाग के कहीं चले जाओ। सामने ही था ना एक शॉप, तो मैं उसके अंदर चली गई, वहां से देख रही हूँ वहां से घर, मैं इतना डर गई थी ना, आप लोग अंदर हो। फिर उसको पकड़ के पुलिस लोग ना जिसको जो कर रहा था ऐसे पकड़ के मतलब ऐसे हाथ से, और फिर हाथ उसका ऐसे जबरदस्ती 2-3 पुलिस लोग पकड़ के मेरे सामने से लेके गए, तब मैं एकदम देख लेती है ना, तो इसके लिए ऐसा होता है। बट मेरा सपना तो बहुत ही शौक हो जाएगी यार, बताऊं कि नहीं बताऊं, जान नहीं बताओ क्या देखे नहीं नहीं जान बताओ। 4 से 5 बजे का बीच का सपना देखा सच होता है क्या?
ऐसा कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा है पता नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है। मैंने ना 4 से 5 के बीच में ये सपना देखा, कभी कभी ऐसा होता है अपने पे हो जाता है, कभी कभी किसी और पे होता है ऐसा। 4 से 5 के बीच में जो अगर अपने लिए देखो तो बोलने नहीं दे रही है। अगर अपने लिए वो बोल पहले मैं तो कम्प्लीट कर लूँ, अगर अपने लिए देखा है तो किसी और पे जाता है ऐसा पता नहीं, कहावत है होता है कि नहीं पता नहीं। तो मैंने जो सपना देखा कि मेरी दूसरी शादी हो रही है 4 से 5 के बीच में। तुम बस अपने दिमाग में वही रखो दूसरी शादी का, ये दूसरी शादी का ही नहीं है। मैं ऐसा देखा कि 4 से 5 बजे के सपना सच होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी दूसरी शादी होने वाली है। मैं होने दूंगी क्या? होने दूंगी, बड़े सुकून से चले जाओगे क्या? 4 से 5 का सपना, हाँ तो आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप करोगे बाबू, मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले आंसर करो, आप कर लोगे? वो तो समय ही बताएगा। क्यों कैसा कैसे है, समय क्या इंसान के ऊपर निर्भर है वो क्या करता है आपको, मतलब हम लोग से कोई प्रेम कोई मतलब भावना नहीं है। सपना देखा है गाइस, तो हो सकता है सच करने में थोड़ा बहुत तो हाथ बटाना पड़ेगा ना मुझे भी कि अगर मान ले हो मतलब आप लोग आपको मेरे से कोई भी मतलब लगा होगा, प्रेम है ही नहीं, आप बस अपने सपने में फोकस करने के लिए लगे हुए हैं। भाई आप बीवी बच्चे वाले हो, कौन सा क्या फालतू बात कर रहे हैं, भगाओ इधर से। पता नहीं कुछ ऐसे ही सपने में आ रहा है यार, दूसरी शादी होगी, मैं हो भी गई तो तू रख लेना है। तोका तोका हम दौड़ाए के वही समझे, ज्यादा जिन बोला दूसरी शादी करेंगे अभी खाना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा समझे, पता नहीं करोगे कब, लेकिन खाना तुम्हारा बंद करूंगी मैं, फिर प्रे करूंगा कि जल्दी हो जाए, फिर मेरे को खाना मिलेगा वहां से। मेरे को गुस्सा आ गया ना, समझ लेना, फालतू की बात मेरे को मत करो। तो क्या आप कौन सी शादी करना चाह रहे हो, क्यों चाह रहे हो शादी करना, खुशी नहीं है आपको अपने परिवार में? पता नहीं, मैंने एफर्ट आप भी डालोगे, बड़े आए हैं एफर्ट डालने के लिए ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बड़े आए हैं एफर्ट डालेंगे। अगर मैं देखता नहीं सपने तो मैं तेरे को क्यों बताता, मैं सोचा बता दो जाके सपना इसको, इसे तेरे को बताया कुछ नहीं होता ऐसा, बता दिए ना अब नहीं होगा, नहीं होगा ना, चलो ठीक है यार, अच्छा है कि नहीं होगा, बट हो गया तो फिर बट आप बार बार क्यों बोल रहे हो गया हो गया हो गया, बट मैं बता के रख रहा हूँ कि ताकि तेरे को याद रहे, इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ प्रूफ के तौर पे कि मैंने तुझे बताया था, बताया था तो इस मैंने मना किया ना, नहीं मतलब आपको इंसान के ऊपर निर्भर रहता है वो करता क्या है समझे। अच्छा हमको सिखा रहा है, आप करना क्या चाहते हो वो आपके ऊपर है। मेरी ऐसा देखा गाइस, मेरी शादी हो रही है, बहुत बड़े बड़े घर है, वही बस सपने देखो, मैं आउट ऑफ घूम रहा हूँ तो आउट ऑफ जाते हैं अंग्रेज से शादी कर बका, और ये आके बोलती है नहीं आप दूसरी शादी कर रहे हो तो कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहोगे। बोला अच्छी बात है, ऐसी वाइफ तो मिलनी चाहिए। मैं बोला मैं तुझे छोड़ मैं आपको आके बोलूंगी, मुझे लगा कि आप सपने में देखोगे मैं आपको डंडे से दौड़ा रही हूँ। नहीं तो उसकी जो दूसरी वाली लड़की जिससे शादी हो रही थी वो बोल रही थी ये कौन है, इससे शादी किया? मैं बोला ये भाई बात बढ़ा मत नहीं तो झगड़ा हो जाएगी, यहाँ पे शादी करके यहाँ से निकलते हैं। बोलती ऐसे कैसे, बाबू ज्यादा अगर करोगे ना तो सपने में आके दोनों को मारूंगी समझे क्या, ज्यादा मत बना करो, हटो इधर से, फालतू का सपना लेके बैठे हुए मेरा दिमाग को बहुत टाइम खराब कर रहे हैं। अच्छा यार तू भड़ाई जाती है, अगर तेरे को बताऊं तो भी गलत है, कुछ छुपाऊं तो भी तेरे से भी गलत है। देख इंसान यही तब देखता है जब उसका माइंड में रहता है समझे, माइंड में रहता है मतलब मुझे और व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, पहले हमारे लिए व्यवस्था कर लो, बड़े आए हैं। यार तुम चिल्ला क्यों रही हो, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो तुम चिल्ला रही हो। बाबू आप हट जाओ यार यहाँ से, दिमाग मत खराब करो मेरा, हट जाओ हट जाओ समझे, यहाँ से हट जाओ ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा समझे। नहीं यार मेरे को लग रहा है मेरे को करना पड़ेगा शादी, आपका दिमाग खराब है, खाना वाना बना रही है, सुबह सुबह नौटंकी मत करो यार, मैं सोची अच्छे से उठे हो ब्लॉग वॉक शूट करोगे तो ये नया नाटक लेके बैठे हैं, करना पड़ेगा तो प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर हो गया ना दिमाग खराब तो सोच लेना पूरा संडे खराब कर दोगे आप। क्या बोला तूने, मैं करूंगा, इतनी हिम्मत करके तो दिखाओ, क्योंकि सपने को सच करना जरूरी है, हम एक सपना देखते हैं उसको करना जरूरी है, बाकी भी तो सपने देखे वो पहले सच करो ना आगे बढ़ने का, ये सब नहीं देखे। मैं तुमसे बता दिया तुमको जो मुझे करना है मैं करूंगा ठीक है, तुम अपना देख लो, बाद में बोलना मत कि मैंने नहीं बोला। इधर आओ, कहां
आप आगे जाते हो, मैं देख लिया, मैं कर लिया हूँ, मैं ये कर लिया हूँ, सपना देख लिया, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नहीं काम कर रहे हो, समझे क्या? मैंने बता दिया गए, मैं तो करूंगा, बाकी भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम है, वो करो। ये करना है शादी, बस मेरा मन है, दूसरी शादी हो रही है तो होने दे, बस सपना भी सच होगा तो रहेगा ना, कोई तो सपना सच हुआ लाइफ में। बस ये फालतू, मतलब है आपकी कोई तो लाइफ पार्टनर चल रही है ना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चल रही है, ठीक है चल, जो है मैंने बता दिया, ठीक है क्या? सच्चाई ना, सच तो अभी बताओ, समझे क्या? कौन है, ले क्या मोबाइल, देखो पासा करूँ कौन है। हाँ बाय बाय। नहीं मैं, दिमाग मत मेरा खराब करो, कौन है बताओ पहले मुझे। क्या बताऊँ इसको, मैं क्या बताऊँ इसको, वो क्यों फालतूगिरी कर रही है, गर्मी हो रही है यार। क्यों पता है? क्योंकि आपको तो दूसरी शादी में इंटरेस्ट है, दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है ना? क्या बताऊं, करना है तो दिमाग अगर बटाओगे ना, सवेरे सवेरे ये सब नौटंकी मत करो यार, मैं कुछ काम से अच्छे से मूड में रहती हूँ, आपका ना नया नाटक चालू हो जाता है। किचन में खाना बना रही है, उसको सच्चाई बता दिया तो भी इसके नखरे चालू हो गए। चलो जान, तुम अपना देख लो, मैं अपना। क्या अपना देख लो, मैं अपना। तो प्लीज सबे सबे नौटंकी मत करो यार, ये हमेशा का नाटक लगा के रखा है ये इंसान ने, पागल जैसे, कोई दिन मेरा सुकून से नहीं जाने देता है। क्यों, अगर तुमको सच्चाई बता दिया तो भी प्रॉब्लम है? नहीं, मैं दिमाग आपने ना मेरा एकदम खराब करके रख दिया, सर दर्द होने लग गया, अच्छा खासा। मैं जान दे, सोच मत, जान दे, सपना ही था ना, कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं तेरे से मजाक कर रहा था। हाँ तो मजाक ही करो, हटो इधर से, हटो यार, मेरा दिमाग खराब कर दिए हो, यहाँ से हट जाओ, वापस हट जाओ। अब रिलैक्स हुई थोड़ा, हटो ना यार, खाना बनाने दो मुझे। सुबह सुबह का टाइम 10:30, ये प्रैंक बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अच्छा चलो, प्लीज इसको, चलो खाना बनाने दो, हटो। गुस्से में हो गई है तो मैं इसको मनाता हूँ गाइस। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि कुंभल आप लोगों को स्कूटी से छोड़ सके अगर आप मिल ले आओ तो। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।